हम भी एनपीएस बोलते थे, लेकिन आज हमारे को सारा ओपीएस बोलता है। थैंक यू। मैं कुशाल शर्मा, अध्यक्ष एनपीएस कर्मचारी महासंघ जिला शिमला। 28 मई 2023 को धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में हमारा बहुत बड़ा एक समारोह हो रहा है, आभार समारोह हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्मान में, जिसमें हमारे 135,000 कर्मचारी हैं, लगभग जो है 1,00,000 के कर्मचारियों की जुड़ने की संभावना है वहाँ पर। और इसमें जो है हमारी जो टीम है वो पूरे तरीके से काम कर रही है। और इस आभार समारोह के लिए पहले तो मैं स्वयं और पूरे एनपीएसए परिवार की ओर से प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, तमाम मंत्रिमंडल विधायकगण सभी का आभार प्रकट करते हैं, और प्रेस बंधुओं का जिनके बदौलत जो है ये मुद्दा काफ़ी ज्वलंत हुआ है। और 2023 को जो एक बहुत बड़ा आभार समारोह जो है धर्मशाला में हो रहा है, उसमें हम सभी को आमंत्रित भी करते हैं। और ये पुरानी पेंशन जो बहाल प्रदेश के अंदर हुई है, और उन सीसी रूल 1972 की जो प्रोविज़न था पेंशन का, हूबहू मतलब उसी तरह से जो है पेंशन दी गई है, जिससे एनपीएस कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति का उपरांत का जो सेवाकाल है, उनका समय है, वो ही जो है सिक्योर नहीं हुआ है, अपितु आने वाली जो भविष्य की होनहार पीढ़ी जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं, उन बच्चों का, उन विद्यार्थियों का भविष्य भी जो है सिक्योर हुआ है, उनमें भी एक जो है उत्सुकता ओपीएस की बहाली को लेकर के हुई है। जी, जहाँ तक सवाल पेंशन का है, जब पेंशन का मुद्दा हमारा उठा है तो स्वाभाविक तौर से हम तो सबकी ही पेंशन का समर्थन करते हैं। अभी उसके बाद है ट्रांसपोर्ट का, उसमें सेटलमेंट हो गया है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी वार्ता विचाराधीन चली है। अभी जो उनके पदाधिकारी थे हमारे साथ भी जो है वो जुड़े रहे, और अभी चल रहा है उसमें, हमें उम्मीद है उसमें भी कुछ सकारात्मक रिजल्ट जो है सामने आए। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा बंगवा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।